श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के दिव्य नाम के बाद श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। हमने कल 10 और श्लोक संख्या 10 और श्लोक संख्या 11 में देखा कि भगवान ने वहां बताया कि जितनी भी चीजें हमको इस संसार में अगर रहना है तो भगवान के द्वारा प्रदान किए गए यज्ञों को अपने जीवन में ढालना होगा, अपने सारे कर्तव्यों को यज्ञ बनाना होगा और फिर अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना होगा जिससे कि वो जो कर्म है वो यज्ञ बन जाएगा। और जब कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाएगा तो हम यहाँ पर आनंद पूर्वक या बिना किसी समस्या के परेशानी के रह सकते हैं। सो आज भगवान श्लोक संख्या 12 में इस प्रकार बतला रहे हैं, मेरे पीछे देखेंगे आप लोग। इष्टान भोगानि वो देवा दासयन्ति यज्ञ भाविताः तैरिदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान यो देवा, इष्टान भोगान, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हम पहले तात्पर्य देखेंगे फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार। वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार या उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की गुणों के अनुसार की जताई है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है,
जो भौतिक प्रकृति की घोर रूप है, घोर रूपा है, जो कि जो कि प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई जाती है। अतः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्रदान करना है, पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ले लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न ही चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समय रही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहां तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके, भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने के लिए मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यज्ञ संपन्न करने से यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। यहां पर श्लोक संख्या 12 में भगवान इस प्रकार से बतला रहे हैं, अनुवाद में, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता। कल हमने समझा था भगवान कृष्ण के मिनिस्ट्री में, भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में बहुत सारे
देवगण है, वो देवता गण क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं और मनुष्यों को और बाकी सारे जीव जंतुओं को जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वे प्रदान करते हैं इस भौतिक संसार में रहने के लिए, उनका अपना अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंततः जितने भी कार्य हम या जितने भी यज्ञ शास्त्रों में इन सारे देवताओं को, चूंकि ये देवता हमें कुछ प्रदान करते हैं और तो हम उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम भी उनके लिए यज्ञ का विधान जो अलग अलग शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंततः वो सारी चीजें जो होती हैं वो भगवान विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। किंतु जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि देवता हमको कोई चीज सप्लाई नहीं करते हैं, देवताओं को, देवता जो हमें प्रदान करते हैं वो देवता भगवान विष्णु द्वारा उनको प्रदान किया जाता है और फिर वो हमारे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जितने भी देवता हैं। और यहां पर प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में बताया है कि ये जो अलग अलग देवताओं की या देवियों की जो पूजा शास्त्रों में वर्णित है ये हमारे हमारे गुणों के आधार पर है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो उनके लिए काली की पूजा, शिवजी की पूजा, अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो उसके लिए ब्रह्मा जी की पूजा या देवताओं, अन्य कुछ और देवताओं की पूजा, और जब कोई व्यक्ति सतोगुणी होता है तो तब उसे भगवान विष्णु की डायरेक्टली पूजा करने को बोलते हैं। और आपको पता है सत्ययुग में कोई भी व्यक्ति, हाँ सत्ययुग में हर एक व्यक्ति क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा काम दो लोभा दयश्चये। इसी युग में, कलयुग में हर एक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से बंधा हुआ है, हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति रजोगुण और तमोगुण वाली ही है। तो इस प्रवृत्ति में तो हम देवताओं की पूजा ही करेंगे, इसलिए आप देखते हैं कलयुग में सारे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की शरण में बहुत कम लोग आते हैं। जो भगवान की पूजा करते भी हैं कुछ लोग, उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है, देवता कौन है, वो कंफ्यूज रहते हैं और वो सोचते हैं कि जो भगवान है, जो कृष्ण है और या विष्णु है और जितने अन्य देवता हैं ब्रह्मा शिव, वो सब एक ही है, किसी की भी पूजा कर लीजिए आपको एक ही चीज प्रदान किया जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है जो सतोगुण वाले हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और जो कृष्ण भावनामृत में है वो उनको पता चलता है कि भगवान विष्णु या कृष्ण या राम का जो पोजिशन है, वो पद है, वो दिव्य है और परम है। देवताओं की तुलना में उनका जो दिव्य पद है, उनका जो पोजीशन है वो परम है और उनकी पूजा करने से हमको भी परम पद की प्राप्ति होगी, परम दिव्य पद की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति, मैंने कल भी हमने समझा था, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है, मतलब कृष्ण भावनामृत में बताए गए नियमों का अनुसरण नहीं करता है, तो वैसा व्यक्ति क्या होगा, वैसे व्यक्ति को वेदों में बतलाए गए अलग अलग सिद्धांतों को, कर्मों को करना पड़ेगा। और यहां पर बतलाया जा रहा है उनको पंच महायज्ञ करने होंगे, जनरल पर्सन को बहुत सारे विधि विधानों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर रहा है शुद्ध भक्त के निर्देशानुसार। अतः क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है वो उसको वेदों के छोटे 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 नियमों को मानना पड़ेगा,
और वो अगर उस नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे बहुत सारे एक साथ बहुत सारे पापों का भागीदार बनना पड़ेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए जो वेदों को फॉलो नहीं करते हैं, जो वेदों को फॉलो नहीं करते हैं मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं। प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य के स्टांजा में बतला रहे हैं कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है। हम लोग को यह पता होना चाहिए। अब हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वो देवता दे रहे हैं और देवता भगवान कृष्ण के निर्देशन में कर रहे हैं। यह हमने भगवत गीता में भी पढ़ा। भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरिटेंडेंस में, मेरे निर्देशन में ये प्रकृति और प्रकृति के निर्देशन में सारे देवता गण जो हैं वो यहाँ पे जीवों को अलग अलग वस्तुओं का सप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दो तीन उदाहरण दिया, खाने की जितनी भी चीजें हैं, हाँ जैसे जो भी साग सब्जी है, दूध है, ये सारी चीजें हम बना नहीं सकते। हम मिल्क के लिए सोचते हैं कि मिल्क जो है सो फैक्ट्री से निकलता है। जैसे अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि मिल्क के पार्लर्स होते हैं या कई सारी कंपनियां हैं जो दूध मिल्क मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो लोग मिल्क को इकट्ठा करके पैक करके और फिर उसको सप्लाई करते हैं। जैसे हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, मसाले नहीं बना सकते हैं, हम सब्जियां नहीं बना सकते हैं, अन्न, ये सारी चीजें हम बना नहीं सकते हैं फैक्ट्री में। ये सारी चीजें हमको अलग अलग देवताओं द्वारा और देवताओं को भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है और वे हमें सप्लाई करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ इस सेकेंड स्टांजा में बतला रहे हैं कि साइंटिस्टों को, बड़े बड़े जो विद्वत जन है उनको लगता है कि हम जो चाहे वो उत्पन्न कर सकते हैं और बना सकते हैं लैबोरेटरी में। लेकिन जितने भी बड़े बड़े लैबोरेटरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनको जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रकृति से ही लेना पड़ेगा। जैसे अगर कोई घर बनता है तो हमें लगता है कि घर को बनाने के लिए भगवान की क्या आवश्यकता है, सीमेंट से बन जाएगा, आयरन से बन जाएगा, है ना, वाटर की सप्लाई भी है, तो क्या वो सीमेंट फैक्ट्री में खुद से बन जाता है? सीमेंट बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाँ, जल आपको धरती से मिलता है। इस तरीके से हर चीज जो है, रॉ मटेरियल जो है वो भगवान के द्वारा मिलता है। हम उसको प्रोसेस्ड करते हैं, उसमें अलग उसके रूपांतरण करके फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ भी यहाँ पे खुद से बना नहीं सकते हैं। सबके लिए हमको देवताओं पे और देवताओं को भगवान पे निर्भर करना होगा। तो एक डिवोटी को इन सारी चीजों का ज्ञान होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे बता रहे हैं जितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल्स भी हम बनाते नहीं। हमें लगता है कि मिनरल्स हम टैबलेट, हाँ, या हम वैक्सीन, ये सारी चीजें लेते हैं, हम बनाते हैं उसे। हम बिल्कुल नहीं बनाते हैं, उसके रॉ मटेरियल अगेन प्रकृति से मिलता है। हम उसको प्रोसेस्ड करके अलग अलग टैबलेट्स, अलग अलग वैक्सीनेशन की जो उसके लिक्विड आते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसे प्रदान करने वाले जो हैं वो देवता हैं और देवताओं को भगवान की कृपा से प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं अगर हमें ये सारी चीजों का ज्ञान है तब जा करके जो है हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार, अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बना सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जीवन संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम सभी यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, रिक्शे वाले से लेकर के ब्रह्मा, रिक्शे वाले से लेकर के बिल गेट्स, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और ये स्ट्रगल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है।
अगर ये स्ट्रगल आप इस जीवन में कर रहे हैं और आपकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग सोचते हैं अरे जीवन कितने दिन का स्ट्रगल करो, ऐसा नहीं है। आपने इस जीवन में स्ट्रगल किया, आपको इस जीवन में उसका कुछ इफेक्ट मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल कभी समाप्त नहीं हो सकता है। स्ट्रगल को समाप्त करने के लिए आपको जब तक ये बद्ध शरीर रहेगा, जब तक ये पंच धातुओं का शरीर रहेगा, मतलब पंच धातुओं का शरीर मतलब जब तक आप इस प्रकृति के तीन गुणों से बंधे रहेंगे, जब तक आप पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवान के, तब तक आपको जो है इसमें फंसे रहेंगे आप। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसमें बतला रहे हैं इस पूरे स्टांजा में कि अगर हम इन सारे चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। क्यों चोर कहलाएंगे? जैसे चोर किसको बोलते हैं? चोर का अर्थ होता है जब आपको आपने किसी सामग्री की चोरी कर ली, मतलब अवैध रूप से जब आपने उसका उपयोग किया। जैसे प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई है, और अगर हम उन सारी चीजों को भगवान के लिए उपयोग में नहीं लाते, हम उन सारी चीजों का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए डायरेक्टली कर लेते हैं, भगवान को, भगवान ने दिया हमको, हमने भगवान को ऑफर नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, तो शास्त्र बोलता है ऐसे व्यक्ति को चोर। हम सभी चोरी कर रहे हैं, अगर भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं और खुद से यूज कर लेते हैं तो वो चोरी कहलाता है। और फिर यहाँ पे बोला प्रभुपाद जी ने, इंपॉर्टेंट बोला, एक तो हम चोरी करते हैं और बोलते हैं सुखी क्यों नहीं है, जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं चोरों के समाज में सुख और शांति नहीं रह सकती, क्योंकि चोर व्यक्ति जो हर समय इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ता भागता रहता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शरण हमको ग्रहण करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे आसान, सबसे सिंपल जो है तरीका बतलाया है जीवन में भगवत प्राप्ति करने का और जीवन को सफल बनाने का, वो संकीर्तन यज्ञ को हमको तुरंत पकड़ना पड़ेगा, संकीर्तन यज्ञ को, और उसके माध्यम से क्या होगा, हम फिर से संपन्न हो सकते हैं। अगर संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ को अगर कोई व्यक्ति नहीं फॉलो करता है तो उसकी जो स्थिति है, संकटों वाली स्थिति है, वो सदैव बनी रहेगी और सदैव वो इसी चीजों से जूझता रहेगा। तो श्लोक संख्या 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग में से कई लोग जानते भी होंगे इस श्लोक को। इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है, हर एक व्यक्ति खाने का काम करता है और यहाँ खाने पीने की बात की जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए, यज्ञशिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयै, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पच्यन्त आत्मकारणात्, आत्मकारणात्, भुञ्जते, भुञ्जते मतलब इंजॉयमेंट। क्या एंजॉय करता है? पाप। कौन? जो व्यक्ति भोजन तो बनाता है लेकिन अपने लिए बनाता है, अपने पेट को, अपने भूख को शांत करने के लिए भोजन बनाया और उसको ग्रहण कर लिया। भगवान लिख रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भोजन बनाता है केवल खुद के लिए और ग्रहण कर लेता है, वो केवल पाप को एंजॉय कर रहा है, हरेक निवाले में वो पाप को खा रहा है। अब ये तो इसका नॉर्मल मीनिंग है। और जो संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हरेक खाने वाले पदार्थ को भगवान को अर्पित करके उसके अवशेष को, शिष्ट को, जिसको प्रसाद बोलते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अब ये केवल भोजन से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत इसका व्यापक अर्थ है, समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को, प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से
पाप खाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट, कितना डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं। इस युग आप देखेंगे दुनिया में हर एक व्यक्ति यही काम, तात्पर्य भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। ये संत को नहीं, आप कुछ संतों को देखेंगे, कुछ संत थे जो अभी वैकुंठ में है, वैकुंठ रूपी जेल में है, अभी घूम रहे हैं, उनके वीडियोस देखिए। आज मैं ऐसे ही यूट्यूब पे घूम रहा था, मुझे कुछ वीडियोस मिल गए, उनके हाव भाव को देख करके आप समझ सकते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में लोग किस प्रकार से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके बिहेवियर को नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है यही संत है, यही महात्मा है। वो खुद भगवान विष्णु का कृष्ण के मोरपंख को लगाता है, हाथ में बांसुरी रखता है, ऐसे सो कॉल्ड बाबा आचार्य लोग, बापू लोग, और हम उनके पीछे दौड़ते हैं। लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, है ना, तो ठगे चले जाते हैं और अंत क्या होता है, वो बाबा जेल में और हमारी भक्ति भी समाप्त। बोले अब बतलाने वाला ही नहीं रहा। वैसे तो अभी भी लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे बाबा का लीला है, और लीला में जैसे चल रहा है लीला के पार्ट है, ठीक है, बट लीला नहीं है, उनकी दुर्गति है, उनके पापों का जो है वो लेखा जेखा है और उनको उसको प्रदान किया जा रहा है। यस, सो हम लोग यहाँ थे, तात्पर्य भगवत भक्तों या कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को, पुरुषों को ही संत कहा जाता है। वे सदैव, और संत कौन है उसका डेफिनेशन देखिए, वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया गया है, मैं बतला देता हूँ। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, संत कौन है यहाँ पे, संतः सदैव, संत वो होते हैं, भक्त शुद्ध भक्त वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों के ऊपर भगवत प्रेम का काजल लगाया है और जो अपने हृदय से हर समय 24 आवर्स भगवान का दर्शन करते हैं। देख रहे हैं, भगवान का दर्शन ऐसा नहीं एक दिन दो दिन के लिए करते हैं या 5 मिनट के लिए दर्शन हुआ। कुछ ऐसे भी संत हुए जो बोलते हैं आज रात मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, कल मैं भगवान राम के साथ था, ऐसे भी संत हैं, लेकिन उनको संत नहीं बोलते हैं, वो ठगी संत हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो बोलते हैं क्या, 24 आवर्स भगवान के दर्शन वो करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रूपा जी तात्पर्य के में लिख रहे हैं आगे, संतगण श्री भगवान गोविंद जो कि समस्त आनंद के दाता हैं या मुकुंद हैं, मुक्ति के दाता हैं, या कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष, कृष्ण शब्द का अर्थ सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। ये लक्षण किसका है, ये लक्षण है संतों का। संत कभी भी बिना भगवान कुछ दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करते, है ना। यस, फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनाओं के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर हो जाते हैं और दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, केवल चोर रहते तो काम चल जाता, आगे देखिए चोर हैं बस इतना ही नहीं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, चोर भी और पापी भी हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस प्रकार या किस तरह से सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना मृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बतलाई जानी। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना मृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति तथा सुख अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो बड़ा ही सुंदर सा ये श्लोक है।
यहां पर प्रभुपाद जी, आप लोग ट्रांसलेशन समझ गए होंगे, ट्रांसलेशन को हमने बताया, जो भगवान के भक्त होते हैं बिना भगवान को कोई भी चीज ऑफर किए उसे ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि अगर भगवान को कुछ ऑफर नहीं करेंगे इसका मतलब क्या होगा, अगर भगवान को अर्पण नहीं होगा तो वो भोग होगा, और भोग के दो फल, भोग जो होते हैं उससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो कभी भी संत जो होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, कभी भी सेंस एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं। और यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के भक्त अलग अलग तरीके से, जो नवधा भक्ति की व्याख्या की जाती है, जो नवधा भक्ति है, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, सॉरी अर्चनम वंदनम से पहले भी तो आता है, उसके पहले आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठीक है, श्रवणम कीर्तनम, और श्रवण कीर्तन के साथ या अर्चनम वंदनम, किसी न किसी प्रकार से भगवान के भक्त अलग अलग, ये जो विधियां मार्ग बतलाए गए हैं भक्ति के 9 प्रकार के, उसमें संलग्न रहते हैं और भगवान कृष्ण को हर चीज अर्पित करते हैं फर्स्ट, और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, खुद के लिए उसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी कर्तव्य करें जीवन में और सोचे कि ये चीज जो है ना, ये कर्तव्य, सेम चीज हमने इस चीज को पीछे भी पढ़ा है, जैसे कर्म फल का त्याग, उसी की बात चल रही है, भगवान कर्म तो हमें करना है लेकिन कर्म का जो फल है वो कर्म फल भगवान को अर्पण करना है, उसी को यज्ञ बोलते हैं। अगर हमने कर्म किया और कर्म का जो रिजल्ट है भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान को अर्पण करने के बाद अब वो भोग जो था वो प्रसाद बन गया, वो पूरा का पूरा कार्य हमारा प्यूरिफाई हो गया, अब वो यज्ञ बन गया, और जब यज्ञ बन गया तो वो पाप रहित तो हो गया, उसमें कोई पाप नहीं है। और यहां पर भगवान एक उदाहरण लेते हैं भोजन के रूप में, हमारे सारे कार्यों के बारे में भगवान बोलना चाह रहे हैं और उदाहरण के रूप में भोजन का उदाहरण लिए हैं। जिस प्रकार हम हर दिन भोजन भोजन बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, अगर वो कुकिंग हमने किया और आराम से उसको सारे फैमिली मेंबर्स मिलके उसको एंजॉयमेंट कर लिए बिना भगवान को भोग लगाए, तो भगवान क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से पाप को खाते हैं हम। बताइए हमने आज तक कितने पाप के भागीदार बने, और बोलते हैं हम, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है हमें पता नहीं चलता है, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चोर तो है ही पापी भी है, और चोर और पापी कैसे सुखी रह सकता है, कष्ट तो जीवन में आएगा। कोई बोलेगा हमें पता ही नहीं था प्रभु जी क्या करें, आज तो कोई बताया नहीं, तो प्रभुपाद जी आगे ये भी बतलाते हैं कि इग्नोरेंस हैज नो एक्सक्यूज, हमें पता नहीं था, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, हम राइट से जा रहे थे गाड़ी को चला करके, नहीं नहीं हमें पता नहीं था लेफ्ट साइड से गाड़ी को चलाना पड़ता है, तो पुलिस वाला क्या बोलेगा, गाड़ी चलाने से पहले तुम समझ क्या हो, तुमको लाइसेंस कैसे मिल गया, ठीक है। सो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, निश्चित रूप से अगर हम कोई भी चीज अगर हम भगवान को नहीं, पहले उसको क्यों चढ़ाना, भगवान को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान को कमी है, भगवान बोलते हैं मुझे चढ़ाओ, मुझे कुछ टैक्स दे दो पहले, जैसे हम लोग घुस देते हैं ना हाँ काम को बढ़ाने के लिए, भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम उसका उपयोग करोगे तो तुम फंसते चले जाओगे, क्योंकि वो सारी चीजें कंटामिनेटेड है इस संसार की, पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, पॉल्यूशन तो है ही डबल, जो चीजें पैक होके अच्छे से आती है ना बिग बाजार में, या हम लोग मार्केट में फोन करके मंगवा लेते हैं, वो सारी चीजें 3 गुणों से प्रदूषित है, इसकी बात की जा रही है, गुणों से कंटामिनेट, ये पॉल्यूशन तो दूसरी चीज है, गुणों से कंटामिनेटेड है। तो जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो ये जो लोअर मोड्स हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे वो प्यूरिफाई हो जाती है, और जब इससे प्यूरिफाई हो जाती है तब हमारा मन शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और तब हम भगवान के विषय में अच्छे से जप कर पाते हैं। तो इस पूरे स्टांजा में प्रभुपाद यही बतला रहे हैं हमें कि हमको किस प्रकार से जो है भगवान के प्रति बतलाए गए, चैतन्य महाप्रभु के बतलाए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो है हमें
हमें हर चीज भगवान को ऑफर करना चाहिए, और अगर हम भगवान को ऑफर करके उसको अपने जीवन में ढालते हैं, जीवन में लेते हैं उस चीजों को, तो हम कभी भी जीवन में फंसेंगे नहीं। कर्म बंधन से निकलने का एकमात्र मार्ग जो है और सबसे सरल मार्ग जो है वो संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन, और श्रीमद् भागवत जी में बोला गया है या 12वें स्कंद में, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हमारे सारे जो डिजायर्स है ना, हमारे सारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे। आपने, मैंने पहले भी स्टोरी सुनाया है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की इच्छा कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं थी कि भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी ध्रुव महाराज की। उनका एकमात्र डिजायर था, उनको एक बड़े साम्राज्य का की लालसा थी, और उन्होंने उस लालसा से भगवान को केवल 5 महीने में प्राप्त कर लिया। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनको ख्याल आया कि ये मैं क्या मांग रहा था, ये तो मैं कांच के टुकड़े के पीछे दौड़ रहा था, अभी तो मेरे पास दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई है। तो अगर हम भगवान की सेवा में जाते हैं तो भगवान हमारे सारे उद्देश्यों को, हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देंगे, और साथ ही साथ हमें वो प्राप्त होगा जो किसी प्रकार के यज्ञ को करके, तप को करके, व्रत को करके नहीं मिल पाएगा, जो चीज हम भगवान के नाम का उच्चारण मात्र करने से प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज इसमें बताया गया है कि, और इसके बाद एक और श्लोक है, थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, उसको हम अभी नहीं लेंगे। यस, अब हरे कृष्णा, व्हाट हैपेंड, आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, करेक्ट? मेरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। यस, सो ये जो कर्म योग है, कर्म योग के माध्यम से भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार हमें भगवान के दिशा निर्देश में अपने कर्तव्यों को करना है। और वो कर्तव्य क्या होंगे, वो कर्तव्य जो होंगे वो सिंपल, सबसे आसान, जीवन में कोई भी कार्य हो आप कार्य करें, लेकिन आप उस कार्य को भगवान को अर्पित करके करें। भगवान को अर्पित करिए और फिर उस कार्य को करिए। कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन मतलब आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, और जब रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो हम अभी अपने आज के जो जप है उसको, जप को करेंगे, और फिर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। क्वेश्चन तो आपके होते नहीं है, बट पॉइंट्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, सो रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टेक योर माला, अपने अपने माला को ले लीजिए, चैंट टुगेदर। मेरे पीछे दोहराएंगे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। आशा है आप लोगों ने ये मंत्र याद कर लिया होगा, है ना। एक साथ मिलकर के हम लोग चैंटिंग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण, श्रुति होती है कर, तो वो तीन चीज क्या है जिससे कंटामिनेटेड है प्रभु जी? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। करेक्ट, ये तीन गुण सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में आप इसको देख नहीं पाते हैं, इसका प्रभाव होता है। वो ये तीन गुण जो है चीजों को प्रभाव, जैसे हमारे मन में चोरी करने की भावना उत्पन्न हुई तो ये किस, कौन करता है? रजोगुण, डिजायर। हमारे मन में हुआ कि एक फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री और कर, 2 फैक्ट्री खोल लेते हैं, रजोगुण। क्यों? एक फैक्ट्री से काम नहीं चल रहा है हमारा, खाना तो बस उतना ही है। एक फैक्ट्री से भी काम चल सकता है, नहीं, हम चाहते हैं वो और बढ़ जाए। क्यों? हमारी इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं, वो उसका कोई लिमिट नहीं है।
उसको उसकी पूर्ति के पीछे हम लोग दौड़ते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, मतलब कहने का अर्थ है जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि आग में ये फ्यूल डालना, आग में फ्यूल डालेंगे, घी डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे तो आग और बढ़ेगा। हमारी भौतिक इच्छाएं आग के समान है, उसमें घी नहीं डालना चाहिए, मतलब उसको और बढ़ाना नहीं चाहिए। हमको तो सब बाइंडिंग अप करना है, ये जितना कार्य है ना, भौतिक दुनिया, एक्चुअली भौतिक दुनिया तो जेल में। एक्चुअली भगवान ने यहाँ पे बोला कि ब्रह्मा जब सृष्टि किया मैंने तो यज्ञ को साथ में भेजा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, भगवान ने बोला। लेकिन हमको पता होना चाहिए भगवान नहीं चाहते इस दुनिया में हम रहें, क्योंकि ये दुनिया दुख का आलय है। यहाँ कोरोना आएगा, कोरोना कुछ भी नहीं और भी आएगा, हर समय कष्ट, हर समय हम भयभीत रहते हैं। क्यों? जहां है डेंजरस प्लेस है। कोरोना तो कुछ नहीं, कोरोना एक लाइफ में, अगले लाइफ में फिर से कुछ होगा। अरे तो हमको क्या करना चाहिए, फटाफट बाइंडिंग अप, जो कुछ है आहुति डाल दीजिए भगवान के, उसमें जितना जीवन बचा है जप करिए फटाफट 16 राउंड मिनिमम। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं माता जी लोग के, 16 राउंड का मैसेज मेरे पास कल रात को भी आया, शाम को भी आया, अभी डे में भी आया, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ऐसे आप लोग अपने चैंटिंग रिपोर्ट्स भेजते रहिए, बहुत सारे लोग 20-20 राउंड्स कर रहे हैं, वेरी नाइस। 16 इज द मिनिमम, 16 माला मिनिमम है। और जो लोग 16 पे पहुंच रहे हैं, 16 करने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो क्या आप हर एक शब्दों को सुन पा रहे हैं, एक एक इच इच वर्ड को, क्योंकि सारी शक्ति नाम के शब्द में है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की जितनी शक्तियां हैं भगवान ने, वो सारी अपनी विविध शक्तियां, सारी शक्तियां भगवान इस नाम में डाल दिए हैं। और हमने ब्रह्मांड पुराण में देखा था, एकादशी के दिन जो हमने ग्लोरिफिकेशन ऑफ होली नेम पढ़ा था, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली है, बतलाइए। तो इतना पोटेंट चीज हमको मिल गया है, तो शब्दों को अच्छे से कान में डालना है, ठीक है। 16 माला मिनिमम और 16 से ऊपर बढ़ना है, बढ़ते रहना है। जीवन में काम क्या है, बाकी सारे काम तो चलते रहेंगे, जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट कौन बतलाएगा, अनुगुप्ता माता जी आ गई। हाँ यस सॉरी प्रभु जी, सिग्नल बहुत काम आ रहे हैं आपको। ओके ओके यस प्रभु जी, आज का जो मेन टॉपिक था वो कर्मयोग था, कर्मयोग के माध्यम से। वीडियोस ऑन कर लीजिए थोड़ा, वीडियो एटलीस्ट बोलते समय वीडियो ऑन रहना चाहिए। यस कर्मयोग के माध्यम से भगवान हमें ये बता रहे थे कि हमें हर कार्य को भगवान के दिशा निर्देश में ही करना चाहिए, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, या वेरी गुड। यस भूमिका महाजन माता जी, पॉइंट फ्रॉम टुडेज क्लास या एनी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज पॉइंट ये था कि जो हम ये जो जितने देवता हैं भगवान ने अपॉइंट कर रखे हैं हमारी सुविधाओं के लिए, और उनको हमें नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली हमें कृष्णा को अप्रोच करना चाहिए। ये पॉइंट मैंने बोला नहीं, लेकिन आपने सही पॉइंट ही बोला। मैंने बोला था थोड़ा सा, बोला था करेक्ट, मैंने बोला था ये विधि विधान जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि भक्ति योग में नहीं है। हम सब कृष्ण भावनामृत में हैं, और कृष्ण भावनामृत वाले व्यक्ति को ना ये देवताओं में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो यहां तक बोला है कि विष्णु भक्त भवे देवा, आप लोग जप कर रहे हैं तो आप स्वयं देवता हैं, लेकिन हम लोग छोटे वाले देवता हैं, और वो ऊपर वाले जो बड़े वाले मिनिस्टर्स हैं ना भगवान के, उनकी शक्तियां थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो बड़े बड़े देवताओं को भी कंट्रोल कर लेते हैं ऋषि लोग। मैंने कहानी सुनाया था आपको च्यवन ऋषि की और सुकन्या की। सुकन्या वो प्रिंस थी, प्रिंसेस थी, और उनकी शादी एक बड़े ही ओल्ड सेज से हो गई थी, च्यवन, जिनके नाम से च्यवन प्रासाद है, च्यवन। वो च्यवन ऋषि बड़े ही ओल्ड थे, और वो सेलेस्टियल डॉक्टर्स फिजिशियंस के माध्यम से, अश्विनी कुमार है वो डॉक्टर्स हैं स्वर्ग में, और उनका पोजीशन ये था कि उनको ना सोमरस, सोमरस अल्कोहल नहीं है बट वो भी जैसे टाइप का ही है, पीने के लिए शक्ति आता है और एज बढ़ता है। उनको उनको अलाउ नहीं था पीना, तो बिजनेस हुआ। च्यवन मुनि ने बोला मुझे तुम नया शरीर दे दो, आप लोग के पास ऐसी शक्ति है और आपको ज्ञान है, आप डॉक्टर्स हैं, और मैं जो आपको सोमरस का एक प्याला दूंगा पीने के लिए, एक कप, वन कप,
तो फिर क्या हुआ कि वो ऐसा ही हुआ, उन्होंने उनको नया शरीर प्रदान कर दिया और उनको सोमरस दे दिया गया। इंद्र को गुस्सा आ गया च्यवन ऋषि पे, ये क्या आपने अनऑथराइज तरीके से, च्यवन ऋषि आपने कैसे अश्विनी कुमारों को दे दिया ये इसके भाग, मतलब वो लोअर थे, इसका मतलब कहने का अर्थ डेमिगॉड्स में भी देवताओं में भी ग्रेड होता है। तो इंद्र ने वज्र चलाने के लिए वज्र उठाया, च्यवन ऋषि ने अपनी शक्ति से उनको पैरालाइज्ड कर दिया उनके हाथ को। तो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा था कि देवताओं से ज्यादा शक्ति भक्तों में भी होती है, ऋषियों में होती है, ठीक है। तो जैसे हम जप करते हैं तो हमको इन विधि विधान को ना फॉलो करके कृष्णा भावना, कृष्ण भावनामृत में बतलाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है। यस नीरू माता जी, नेक्स्ट पॉइंट विद साधना माता जी, यस फिर सुषमा माता जी, यस साधना माता जी, एक मिनट पहले नीरू माता जी, यस यस आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करके, हाँ बोलिए, आपकी आवाज क्यों नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, बटन एक बार फिर से प्रेस करिए उसको फिर से, हाँ अब बोलिए, हाँ व्हाट इज द प्रॉब्लम, नहीं हुआ, हाँ अब हुआ, बोलिए बोली, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आपके उसमें, वो कुछ आप उसको ठीक करिए तब तक। साधना माता जी, यस आप अपना पॉइंट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज के पाठ से मुझे ये समझ आया कि अगर हम अपनी सारी शक्ति भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण में लगाएंगे तो निरंतर कोई भी कार्य करेंगे और खाली समय में कोई प्रभु का स्मरण ही करेंगे तो कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। ऐसे ही भोजन करना भी प्रभु जी को पाप नहीं है, मगर भोजन के साथ तन्मय होकर अगर हम भोजन बनाते हैं और उसे भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हमारा प्रसाद रूप तो बनता ही है, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़नी ही बहुत बड़ी बात है और जैसे ही वो पड़ेगी वो प्रसाद। एक मिनट, मैं मेरी आदत है रोकने की, है ना, ऐसे नहीं कि कहीं भी बहते चले जाए और हम बोलेंगे यस यस वेरी नाइस। आपने बोला भोजन में कोई पाप नहीं है, करेक्ट कुछ ऐसा बोला आपने? जी जी, क्या उसको थोड़ा बताइए, हम लोग को समझाइए भोजन करना पाप नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा भोजन करना पाप नहीं, मैंने कहा भोजन बनाना या करना, हाँ? ये दोनों ही पाप नहीं, अर्थात ये भी एक कार्य है प्रभु के प्रति, हम जो भी काम करते हैं प्रभु के समर्पण होके ही करते हैं कि जो मैं मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे इस श्लोक में बोला गया भोजन करना, अगर केवल भोजन कर रहे हैं जो भगवान को नहीं ऑफर किया तो पाप है। यस यस तो पाप, हाँ जी बोलिए। बाकी प्रभु प्रभु के ऊपर हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कोई भी हम कर्म करेंगे मन में ये भाव लेके करेंगे कि हम ईश्वर के पति कर रहे हैं तो वो एकदम सार्थक हो जाएगा। केवल मन में भाव नहीं होगा जी, नहीं कर्मों में भी भाव होगा, है ना, कर्मों में भी मन में हाँ शुद्धिकरण होगा, करेक्ट। ये चीजें थोड़ी समझनी, हम लोग क्या सोचते है ना, थोड़ा सा कभी कभी सोच लेते हैं मन से शुद्ध हो रहा है, मन तो दिखता नहीं शुद्ध किधर होंगे, करेक्ट। और ये जो तीन गुण है उनका इम्पैक्ट मन के ऊपर होता है, इन गुणों को आप देख नहीं सकते हैं तो गुणों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा, अनुभव कर सकते हैं महाराज जी, प्रभु जी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। किसको? हम जो हम जो भी हम, जैसे अब प्रभु को गुस्सा आएगा हमें पता लगेगा मन में शांति है, हमारा मन डिस्टर्ब है, भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, हाँ भाव से पता चलेगा। एक पॉइंट जो आपने इम्पोर्टेंट बोला कि अगर हम भगवान के कार्यों में लगा, अगर हम सारे कार्य भगवान से जोड़ करके करेंगे तो हमको पाप कार्य में लगने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है, नहीं बनेगा। हाँ हमारे डे टू डे लाइफ में जितने सारे वर्क हैं उन सारे काम को अगर हम भगवान से जोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में पाप का अकाउंट बनेगा ही नहीं हर तरह, और 24 आवर में जितने आपके कार्य हैं वो सारे कार्य भगवान से जुड़ सकते, खाने से लेकर के सोने तक का काम। सोने को कैसे भगवान का भक्ति बनाए, सोने से पहले ना कृष्णा बुक रीडिंग कर लेना है या भगवान एक बार क्लास सुन लेना है एटलीस्ट,
या भगवत गीता का एक पैराग्राफ पढ़ लेना है या कृष्णा बुक में भगवान की लीला पढ़ लेना है, यहां वहां से मत पढ़िएगा, फिर भटक जाएंगे। हर समय हमको ऑथराइज्ड बुक पढ़ना है जो प्रभुपाद जी द्वारा रचित है। यहां वहां का पढ़ेंगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो कंफ्यूजन बड़ा मुश्किल से निकला है सबके दिमाग से। प्रभु जी संकीर्तन सुनते हुए यदि सोए तो बहुत सुंदर है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आता है संकीर्तन सुनते समय। नहीं प्रभु जी, मुझे तो नींद आती है, मुझे तो संकीर्तन ही सुनके नींद आती है। जब करते समय जरूर नींद आ जाता है, ठीक है ना, ना। ओके यस धीरू माता जी, अब आपका ठीक हो गया लगता है। यस हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ सुनाई दे रहा है। भगवान के भक्त या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट। जो सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। बिल्कुल सही। तो ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, हमको ठगे नहीं जाना चाहिए सो कॉल्ड स्वामी, सो कॉल्ड जो ये आचार्य हैं या बापू हैं और बहुत सारे बाबाज हैं, ठगना नहीं है, ठगाए नहीं जाना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अच्छा कोई बोलता है तो भगवान अलाउ क्यों करते हैं ऐसे लोग को? भगवान को चाहिए ना कंट्रोल करना, अच्छे अच्छे लोग संत को ही रखे, जो संत नहीं है वो क्यों आ जाते हैं मार्केट में? तो भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं ये संत इसलिए आते हैं ठगी संत, क्योंकि बहुत सारे लोग ठगे जाना चाहते हैं। जैसे कई लोग मार्केट में निकलते हैं, बोलते हैं ना सस्ता में बढ़िया आइटम देना, बढ़िया आइटम सस्ते में कैसे मिलेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, सस्ते में तो बढ़िया नहीं मिल सकता है। तो ये जो बाबा लोग हैं सस्ते में बढ़िया देते हैं आपको, वो आपको कोई चीज मना नहीं करते हैं, बोलते हैं जो करना है करो, जीवन में जितना इंजॉयमेंट करना है इंद्र तृप्ति करो, करते करते तुम एक दिन थक जाओगे और छोड़ दोगे, ऐसा बोलते हैं वो। चाय कॉफी शराब जो भी पीना है, बस शराब भी पियो कुछ भी करो, बस जो है ना मेरी सेवा करते रहो, मैं ही भगवान हूं। तो ऐसे भक्तों को कुछ लोग चाहते हैं, बोलते हैं ना अगर कस्टमर नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्यों बनेगा, कस्टमर है इसीलिए प्रोडक्ट है। ठीक है तृप्ता गुप्ता माता जी, आपका पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया कि विष्णु भगवान जी पितरों के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा नीचे शाकाहारी सब्जियां फल फ्रूट दूध वगैरह सब उनके जरिए ही आता है, भगवान विष्णु के जरिए ही आता है। तो जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो खुद ही अपने लिए मांसाहारी जो मांस वगैरह तो ढूंढ लेते हैं, तो क्या ये दोष नहीं होता उनको? तो मांस कहाँ लिखा है, मांस तो नहीं पढ़ा हमने, मांस भी लिखा है क्या भगवत गीता में? नहीं, जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं वो तो अपना रास्ता, वही ने कहा कि उन्होंने जब आदमी अपना रास्ता ढूंढ लेगा तो वो रास्ता जो है ना गलत रास्ता है, वो सुमार्ग नहीं है कुमार्ग है, और वो पाप को इकट्ठा करने की तैयारी कर लेता है। हमको अपना रास्ता नहीं तैयार करना है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आते हैं हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए, हमको फॉलो करना चाहिए आचार्यों को, हमको फॉलो करना चाहिए भगवत गीता में भगवान के निर्देशों को, हमको ये गलत सही रास्ता नहीं तैयार करना चाहिए। और जब जब अपना रास्ता तैयार करेंगे, अब वो लोग भगवान ने तो हमको ये सब दिया, ग्रेन्स दिया, अन्न दिया, दूध दिया, सब्जी दिया, और हमने क्या किया, हमने उस अन्न को खिलाया किसको, हमने एक बकरे को खिलाया और उसको काट करके खाया, बस आपने नियम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और जब इधर नियम चेंज हो जाएगा तो प्रकृति के नियम भी आप पे लागू हो जाएंगे, वो तीनों गुण एक्ट करेंगे और उस केस में आपको बहुत पाप के भागीदार आप जाएंगे अलग अलग नर्क। जो मैं एक बात और सुनाना चाहती हूँ आपको, 2000 में डॉक्टर साहब की ड्यूटी ले में थी, उधर नवरात्र चल रहे थे, मैंने इनको बोला कि मैंने माता जी के मंदिर जाना है, जब हम वहां मंदिर पर गए तो वहां पर प्रसाद मांगा तो वहां पर एक साइड नॉन वेज था एक साइड शराब थी। वो कहते हैं जहाँ मंदिर में काली माता का मंदिर है जहाँ पर यही प्रसाद मिलेगा, तो क्या ये भगवान जी ने उनको यही काम सौंपा हुआ है? आज के क्लास में हमने देखा कि भक्ति जो होती है वो तीन गुणों में होती है, वो वहां पे तमो गुण में भक्ति हो रही है, मतलब जो लोग तमोगुणी है ना, तमोगुण में हाँ, तो तमोगुण को क्या करे, कुछ तो भक्ति करवाना है भगवान को। इस जीवन में तमोगुणी होगा, अगले जीवन में सतोगुणी भक्ति करेगा, उसके रजोगुणी फिर सतोगुणी करेगा, ठीक है। लेकिन हमारी इस कृष्णा भावना में
महातमोगुणी भी आ जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, है ना। तो कितना आसान और कितना पावरफुल ये अपना मार्ग है, भक्ति मार्ग। पापी बोलते हैं कि कोई पापी हो, बड़ा सुंदर सा बंगाली में प्रभुपाद जी वो बोलते हैं, चैतन्य चैतामृत का एक लाइन है, वो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, पापी तापी यता छिलो हरि नामे उद्धारी लो। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, कितना बड़े से बड़ा पाप किया है, अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, और कितने उदाहरण है हमने पहले सुनाया है, मृगारी आप देख लीजिए, वाल्मीकि ऋषि को देखिए, वो भी तो डकैत थे, मारते फिरते थे। तो बड़े से बड़ा पापी, डकैत, चोर, सारे लोग का उद्धार हो जाता है। कृष्ण भगवान का भजन है, कृष्ण भगवान का भजन, और वो भजन हरे कृष्ण महामंत्र है मेन भजन। हाँ। उसको छोड़ के अपने मन से नहीं बनाना है भजनों को। अच्छा ठीक है, प्रभु अब प्रश्न थोड़ा हो जाए। यस प्रश्न, क्वेश्चन। प्रभु जी, अभी एक माता जी बोल रहे थे कि अपने मन में शांति हो जाती है कोई भी हम भगवान का कार्य करते हैं, तो जरूरी है कि मतलब तीन गुणों से ऊपर हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मन में शांति आएगा ही आएगा? अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट? नो, पहले शांति का मतलब समझ लीजिए। एक्चुअली मैंने कुछ बोला नहीं, अभी शांति चलने देते हैं, कुछ तो शांति आ रहा है कम से कम, ऐसे ही परेशान है। भक्ति करने में जो शांति आती है वो थोड़ी अलग होती है। हो सकता है आपको कोरोना हो जाए, हो सकता है, और आप भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं, फिर भी शांत रहेंगे आप। भक्ति करने से जो शांति मिलती है वो शांति क्या है, आपको जीवन में समस्या तो है लेकिन वो समस्या आपको भक्ति से हिलाएगा नहीं, आपको भक्ति से वो आपको भक्ति से भटकाएगा नहीं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर, और ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि हम भक्ति करते हैं तो अशांत रहते हैं, अशांत भी भौतिक तरीके से अशांत भी रह सकते हैं, हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आसपास हो, लेकिन वो भक्त जो होता है ना, भगवान के प्रति उसकी निष्ठा बनी रहती है, उसको पूरा विश्वास होता है कि हमको क्या डर है, अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो भगवान तो है ही देखने वाले, और भगवान ऐसा नहीं ना, भगवान ने आंख बंद कर लिया। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हमारे जीवन में संकट आया मतलब भगवान मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, भगवान कैसे, भगवान के होते से संकट आ सकता है। और जो भक्त होते हैं वे क्या सोचते हैं, भगवान चूंकि हमारी तरफ देख रहे हैं इसीलिए बड़ा संकट इतना छोटा संकट बन गया, पता नहीं हाथ कटना था, हाथ में खरोच आया थोड़ा सा, ये भक्त सोचते हैं। तो इससे तो, इससे भी तो आनंद मिलता है ना। मान लीजिए आपका हाथ, हमारा हाथ कटना है, हाथ उंगली में थोड़ा सा एक खरोच आया, आनंद नहीं मिला थोड़ा सा? हाथ कटता तो कितना कष्ट होता, थोड़ा सा एक खरोच लग गया, कोई बात नहीं, आनंदित है हम। लेकिन ये रियल आनंद नहीं, रियल आनंद है भगवान का जो हम सेवा करते हैं ना, उसमें जैसे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जैसे भूख लगा भोजन लिया तो आनंद आया, वही आनंद हमको धीरे धीरे प्राप्त होगा। तो इनिशियल स्टेज में अभी जो हम लोग साधक हैं, हम लोग सब 16 माला का जप कर रहे हैं, तो अभी हमारा वैसे रुचि नहीं आया है, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। अभी तो अभी क्लीनिंग चल रहा है ना, मन का क्लीनिंग हो रहा है। आप लोग यूज करिए सर्फ एक्सेल और जितने तरह के डिटर्जेंट होते हैं, वो क्या है, जितने अच्छे से माला अंदर जाएगा, नाम अंदर जाएगा, उतना ज्यादा क्लीनिंग होगा। क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, सारे लोग बड़े मेहनत से क्लीनिंग करेंगे, समझ गए? ये मार्जन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम, सफाई चल रहा है, तो सफाई अभियान में लग जाइए। मोदी जी का अभियान अभी चालू हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले शुरू किया था, चित्त को साफ करना है। बाहर तो ठीक है एक्सटर्नल, कोई मुझे बतला रहा था कि कोई डिवोटीज का क्लासेस मैं सुन रहा था, वो बतला रहे थे कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी आप चले जाएं तो बोलते हैं बड़े ही क्लीन होते हैं, है ना, रोड क्लीन होता है, घर क्लीन होता है, बहुत सारे, लेकिन अंदर क्लीन नहीं होता है। बाहर तो बाह्य तरीके से बहुत ही क्लीन हो जाते हैं लेकिन इंटरनल क्लीनिंग नहीं पता है उनको, और बाह्य क्लीनिंग जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंटरनल क्लीनिंग है। लेकिन नो डाउट बाहर का क्लीनिंग, बाहर का अरेंजमेंट, मिसमैनेजमेंट से दिमाग थोड़ा सा अशांत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अशांत हम तब होते हैं जब हम अंदर से अनक्लीन होते हैं। और जितने व्यक्ति हम लोग इतने हैं ना, 50 लोग, ये सारे लोग अनक्लीन है अंदर से, क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, सबका लेवल है कौन किस किस लेवल पे बढ़ा है, ठीक है। तो नाम में लगे रहिए, अपने आप बढ़ते रहेंगे। यस
अब कौन किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? नहीं बोलना है? यस सुनीता माता जी, आपका पॉइंट। कुंती माता जी, भूल गया था मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है, तो वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है हमको जो भी इस भौतिक संसार में है। क्योंकि अगर हम भोजन को ही लें तो अगर देखें तो भगवान आगे के चैप्टर्स में बताते भी हैं कि जो अन्न में जो स्वाद है, जो रस है, तो वो भगवान के ही कारण हमें मिलता है। जो अन्न पचाने, जो अग्नि जो कार्य करती है अन्न पचाने का, तो वो अग्नि भी भगवान ही है। तो हम में सामर्थ्य ही नहीं है किसी भी चीज को भोग करने का, तो परम भोक्ता वो भगवान ही है। इसलिए सब कुछ उनको समर्पित करके अर्पण करना चाहिए। देखिए अभी इन्होंने थोड़ा डिटेलिंग बताया जो आगे भगवान बतलाते हैं। एक्चुअली मैंने बोला ना कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, चोर इसीलिए बोला गया। दो चीजें, चोर और पाप क्यों बोला गया? पाप मतलब अलग, पाप मतलब जब गलत उपयोग करते तो पाप होता है, और चोर मतलब अनऑथराइज्ड, मेरा नहीं है हमने उसको पकड़ लिया। तो इन्होंने बतलाया, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये शरीर का अलग अलग, शरीर के अलग अलग पार्ट भगवान से आते हैं, और इसका जो फंक्शनिंग है ना, ये फंक्शनिंग करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। डाइजेशन भगवान बोलते हैं भगवत गीता में आगे, ये अग्नि जिससे कि डाइजेशन होता है, जो आग है, भगवान बोलते हैं वो आग मैं हूं। ये जो भोजन करते हैं, टंग टेस्ट करता है, ये रस बोलते हैं भगवान मैं हूं। हम कुछ सुनते हैं कानों से, हम सुनते हैं, हमारे पास ईयर है, कान है, तो हम सुनते हैं। भगवान बोलते हैं वो छोड़ो, ये सुनने की क्षमता मैं देता हूं तुमको, बोलने के लिए शक्ति मैं देता हूं तुमको। तो ये शरीर भगवान ने दिया, इस शरीर को चलाने की शक्ति भगवान ने दी, सारी सामग्री भगवान ने दी, तो हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। तो भक्त व्यक्ति इस बात को जानता है और उसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता है। यस विश्वास जी, आपका पॉइंट या कोई क्वेश्चन? आज के दोनों श्लोकों से यही हमें मिलता है कि कैसे हमें चोर नहीं बनना है, पापी नहीं बनना है। वाह, चोर नहीं बनना है, पापी नहीं बनना है। क्या सारा, चोर और सारा पापी सारा सारांश वही है, सारा सारांश यही है। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, चोर कैसे बनता है और पापी कैसे होते हैं। अगर हम भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी, चाहे कर्म हो या कोई भी भोजन हो, अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो चोरी है, क्योंकि वो हमारा चोरी है, वो अनऑथराइज यूज है, वो इसलिए वो चोरी हो गया, चोरी हो गया। और पाप इसलिए हो गया क्योंकि पाप इसलिए हो गया क्योंकि गलत कार्य हो जाता है। जैसे अभी वो बताया कि कोई मांस खाने लग शुरू कर देता है, कोई बिना ऑफरिंग किए खाना शुरू कर देता है, तो पाप का भागीदार बन जाता है। रेवा गुप्ता माता जी, यस आपका वीडियो ऑन हुआ, यस पॉइंट, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी, आज का यही कि जैसे प्रकृति में जो हमें चीजें मिली हैं, अगर हम उसे भगवान के उपयोग में ना लाकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में उपयोग लाएंगे तो हम चोर कहलाएंगे और हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख के लिए हमें संकीर्तन यज्ञ करके ही संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने लिए भोजन खुद के लिए करता है वो पापी कहलाता है, वो पाप का अर्जन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या गुप्ता माता जी, आप हैं? नहीं है, ठीक है। यस, किसी का कोई प्रश्न बचा है? कोई कुछ बोलना चाह रहा है आज के क्लास से या कुछ भी, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने किसी को छोड़ दिया जो नहीं आया हमारे टच में। विवा खट्टर माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज के दोनों श्लोकों से हमें यही समझ में आया कि हमें जो कुछ भी इस भौतिक संसार में मिला है सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही है। तो हमें उस, अगर हमें सुखी रहना है तो हमें वो सब चीजें भगवान को बहुत जरूरी भोग पाएंगे और खुश रह पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न भी है, प्रश्न नहीं है, मन में संशय है। आई मीन, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। जैसे हमें मेरे फादर ने शुरू से हमें सिखाया
कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक अंश भगवान को अर्पित करें। ठीक है, और हम करते भी हैं, बट हम उसका यूज जो होते हैं पैसा होता है या कुछ भी उसको चैरिटी में या कुछ ऐसा कर देते हैं, क्या वो ठीक है या हम कुछ और कर सकते हैं और अच्छा उसमें कर सकते हैं? ये चैरिटी की बात आपने की, तो फिर हम लोग को जो कुछ समझना है ना, हम लोग तो प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण के द्वारा चलेंगे, है ना। हम लोग भक्त हैं, भक्त किसके, भगवान के। तो भगवान जो बोलेंगे, और भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं चैरिटी, चैरिटी, अच्छा, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, मतलब सतोगुण में चैरिटी दान करना, रजोगुण में दान करना और तमोगुण में दान करना, तीन प्रकार के दान होते हैं। एक्चुअली केवल दान नहीं, सारी चीजें, यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, जैसे भक्ति अभी तीन प्रकार का पढ़ा हमने, भोजन भी तीन प्रकार का होता है। एक्चुअली हर चीज सृष्टि की जो होती है वो तीनों गुणों में अलग अलग तरीके से होती है। तो आपने पूछा तो मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा भगवत गीता के 18वें अध्याय और 17वें अध्याय में भगवान ने गुणों की व्याख्या की है इन सारी चीजों के लिए, बने यज्ञ दान तप। तो दान, जब सबसे श्रेष्ठ दान जो होता है वो गुडनेस में होता है, और वहां पर कृष्ण भगवान स्वयं बतलाते हैं कि जब हम कहीं पे चैरिटी करते हैं तो हमको देखना चाहिए वो चैरिटी क्या, सबसे श्रेष्ठ चैरिटी क्या होता है, जब वो भगवान के नाम के प्रचार के लिए हो रहा, क्योंकि सबसे बड़ा पायस एक्टिविटी तो भगवान का नाम है। जैसे गरीबों को भोजन कराना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, ये सारे पुण्य कार्य हैं, लेकिन इन सारे पुण्य कार्यों में सबसे जो पुण्य कार्य है वो है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की सेवा। तो एक लाइन में अगर बोले कि सबसे बड़ा जो चैरिटी है वो हमको वहां करना चाहिए जहां की भगवत नाम का प्रचार हो रहा हो, भगवान की भक्ति हो रहा हो, वो सबसे बड़ी चैरिटी है। क्यों? क्योंकि वैसा कार्य करने से आपको जो पुण्य मिल रहा है वो श्रेष्ठ पुण्य मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ पुण्य मिल रहा है और अति उन्मुखी पुण्य मिल रहा है। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि हम कितने भी स्कूल बनवा ले, कॉलेज बनवा ले, भोजन खिला दे लोगों को, लेकिन हम इस दुनिया से, जन्म चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वही भोजन अगर प्रसाद बना करके खिलाते, जैसे हम लोग अक्षय पात्र के माध्यम से प्रसाद खिलाते हैं 20 लाख बच्चों को, वो प्रसाद होता है। हमारे सारे किचन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मूर्ति होता है, एक पुजारी होता है, बनने के बाद सबसे पहला भोग ठाकुर जी को लगता है और उसके बाद उसको मिक्स कर देते हैं, फिर बनता रहता है, जाता रहता है, बनता रहता है, जाता रहता है, तो वो हो गया प्रसाद। उसी प्रकार से हमारे टेम्पल्स में रेस्टोरेंट भी होता है, हायटेस्ट और अन्नकूट के नाम से, वो सारी चीजों का, उसमें भी जो बनता है पहले हम लोग भोग लगाते हैं और फिर बाद में जो बनता है उसको हम लोग लोगों को ऑफर करते हैं। तो कहने का अर्थ है, जब इस प्रकार से हम भगवान को ऑफर करके कोई चीज करते हैं तो हमको सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। इसीलिए कोई सा भी दान करना है वो दान हमको इस जगह पे करना चाहिए जहां पे भगवान, सही में भगवान के लिए कार्य हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने वहां दान दे दिया जहां की गलत यूज होता है, तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे, हम भी पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए क्या करना है, हमको पाप के भागीदार नहीं बनना है, हमको अच्छे जगह पे डोनेशंस करना है, अच्छे जगह पे दान देना है। जैसे कैसे, आपको बच्चों को खिलाना है, अक्षय पात्र में दीजिए, ठीक है। आपको भगवान के नाम का प्रचार करना है, वैसे जगह दीजिए जहां पे आपको दिख रहा है रियली में, वहां पे भक्त जो है लगे हुए हैं भगवान की सेवा करने में, वैसे जगह पे हमको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। कुंती माता जी, आप, कुंती माता जी, यस, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुंती माता जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यस प्रभु जी, वो जो एक सेंटेंस आपने बोला था, मेरा मिस हो गया, नौ प्रकार की विधियां हैं, वो क्या चीज बताई आपने?
मैंने बतलाया भक्ति करने के नौ नौ विधियां हैं, नवधा भक्ति बोलते हैं, नौ प्रकार से। सबसे पहला है जिसका हम लोग दो तीन तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण, फिर वंदन, फिर अर्चनम, इस तरीके से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार की विधियां हैं जो शास्त्रों में बतलाया गया है, भगवान विष्णु की सेवा इन नौ विधियों के द्वारा होती है। यस कुंती माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के श्लोक से कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आता है कि सब कुछ भगवान ने दिया है तो हमें भगवान के काम में ही लगाना चाहिए और सच्चे मन से लगाना चाहिए, इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं चाहिए हमें। और यदि हम ये मान ले कि हमारे अंदर भी भगवान बैठे और बाहर भी भगवान है तो हमसे गलत कर्म तो कहीं होंगे ही नहीं प्रभु जी, हम सब कर्म ही करेंगे। यस यस, विजय माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर कंक्लूड करेंगे हम लोग आज का क्लास। यस विजय माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु जी। आप ऐसा करिए वीडियो को ऑफ कर दीजिए, शायद इंटरनेट आपका वीक है तो आवाज आएगा। यस बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट करके, म्यूट है आप। हरे कृष्णा। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है सो प्रभु जी बोले। मैं ये कह रही थी कि जो हम जे हुए हैं वो थर्ड फोर्थ श्लोक तो है लेकिन उसके बाद 5, 6, 7, 8 नहीं है, नहीं उसके बाद 10th तो मुझे वो भी चाहिए। अच्छा आप लेक्चर की बात कर रहे हैं यूट्यूब वाले पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, कुछ समझा क्या क्या बोला इन्होंने? आई थिंक यूट्यूब की बात कर रही हैं वो लेक्चर में। दोनों नाम एक ही तरह का हो गया, मैं चेंज कर दूंगा उसको, 1, 3, 5 नहीं है, एक दूसरा वाला है, छूट गया। वो 7, 8, 9 है। हाँ वो 7, 8 है। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु जी यस थर्ड फोर्थ के बाद 6th भी नहीं है, 7th भी नहीं है, नहीं नहीं ऑडियोज नहीं है। ऑडियोज तो हम कभी बहुत कम ही डाल रहे हैं, वीडियोस ज्यादा डाल रहे हैं। नहीं प्रभु जी सब कुछ सब है, मैंने सारे आप ठीक से ढूंढेंगे मिल जाएगा आपको, और वो नाम मैं चेंज कर दूंगा आज जो एक ही हो गया ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 7, 8, 9 का तो नहीं डाले हैं, उसका ऑडियो डाला है मैंने, क्योंकि शायद वो रिकॉर्डिंग में नहीं प्रभु जी, वो भी वीडियो वाला है पर वो 3 और 4 के नाम से है, पर वो है करेक्ट करेक्ट वो है करेक्ट करेक्ट। आप लोग ने लिख लेंगे। यस वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस कंक्लूडिंग वी हैव ओनली 5 मिनट्स। यस पंच महायज्ञ इज अ वर्ड व्हिच हैज कम इन। या पंच महायज्ञ हैज बीन यूज्ड हियर बिकॉज़ पंच महायज्ञ इज अ प्रोसेस फॉर दोज पीपल हु आर नॉट अ डिवोटी, दे हैव टू परफॉर्म 5 kinds ऑफ यज्ञास। मतलब जो लोग भक्त नहीं है, नॉर्मल पीपल है, Those who are not chanting the name of Vishnu Krishna, उनके लिए क्या करना है? 5 तरह के यज्ञों को करना है जो कि कर्म कांड पोर्शन में दिया हुआ है। तो हमको तो उसमें जाना नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना मॉर्निंग में वो इनिशियल शुरू हो जाता है मॉर्निंग से, उसको बोलते हैं अग्निहोत्री सेक्रीफाइस, फायर सेक्रीफाइस, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, वो कर्म कांड में वर्णित है। और वो जो लोग भगवान डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं है उनके लिए वो बतलाया गया, हम सारे भक्ति योग में है, हमारे लिए केवल एक ही यज्ञ है संकीर्तन महायज्ञ, बाकी सारे यज्ञों का कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में। ठीक है तो हम सबको फोकस करना है इसी यज्ञ पे। तो इसके साथ विल मीट टुमारो 4:30।
विल स्टार्ट बाय 4:35 मैक्सिमम, ठीक है। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री महारानी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र जय, निताय गौर प्रेम नंदे हरि कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु।